ललितपुर जिले के कस्बा जाखलोन में देर रात बीच बस्ती में स्थित प्राचीन देवी मंदिर के ताले तोड़कर देवी की प्रतिमा को अज्ञात बदमाशों द्वारा खंडित कर दिया गया। रविवार की सुबह पुजारी पूजा करने मंदिर पहुंचे तो वहां पर नजारा देख ग्रामीणों को जानकारी दी। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने कस्बे का बाजार बंद करते हुए घटना के खुलासे की मांग की। जानकारी लगते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई करने में जुट गए। वहीं मंदिर के पुजारी ने पुलिस से कहा कि जिस प्रकार देवी प्रतिमा के हाथ तोड़े गए हैं उसी प्रकार हाथ तोड़ने वाले युवक को पकड़ कर उसके भी हाथ तोड़ दिए जाएं। ये अचानक ये घटना हो गई जिसपे हम लोग अभी FIR की तहरीर मुझे मिली है, मुकदमा पंजीकृत करके और शीघ्र गिरफ्तार करके विधि कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लगता है घटना से? घटना से अब जैसे गांव वालों बता रहे हैं कि कोई शराबी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया है, तो जिसका नाम सामने आया उसका हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे और कार्रवाई करेंगे। यहाँ जो श्रद्धालु हैं गांव के, हाँ, उनका स्क्वाड टीम की भी मांग कर रहे हैं, वो SIT की मांग कर रहे हैं, सॉरी वो आपकी फॉरेंसिक की जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक की जांच अभी हो गई, फिल्म यूनिट हमारी आई थी कर ली है और आगे जो भी उसमें निकल के आएगा उसमें हम विधि कार्रवाई करेंगे। और हम जनता से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग हमारे सहयोग में रहें और शीघ्र हम सारी कार्रवाई करेंगे। तो ताले टूटे गए थे, अंदर का गेट भी खुला, बाहर का चैनल भी खुला और आतंकी चले, हम अंदर गृह प्रवेश में नहीं गए और बाहर भी देख करके हम चले आए। तो कुंवर प्रवीण सिंह जो संरक्षक हैं राजा साहब, उनके लिए हमने सूचना दी, उनको सूचना दे करके पता लगा हम क्यों नहीं चाहेंगे भाई। जितना दर्द आपको है उतने मुझे भी, हम भी अभी नहाए धोए नहीं, तुरंत सुने और उठे व भागे चले आए कि चले पहले नहाना धोना तो बाद में हो जाएगा, भगवान का मामला है। तो हम लोग खुद सर आज का जो घटनाक्रम हुआ इसके लिए कि क्या आपकी उस पर नहीं रखाई गई? देखिए हम लोगों के संज्ञान में यह बात आई है सुबह सुबह ही और यह बड़ी दुखद घटना है और हम लोगों के खुद भी व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। हम इस पर त्वरित एक्शन लेंगे और जो भी मूर्ति खंडित हुई है उसको हटवा के मूर्ति नई मंगा के उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे और जो भी इसके लिए दोषी है उसके विरुद्ध तुरंत जो है गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। लोगों के द्वारा डॉग स्क्वाड टीम का मांग की जा रही है, डॉग स्क्वाड के लिए बात की गई है, झांसी हमारे पास है नहीं, झांसी से आ जाएगी, हम वो भी करेंगे और जितनी टीम हमारे पास थी वो टीम तुरंत लगा दी गई है, वो अपने जांच पड़ताल कर रही है। लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे सर? अब हमने बता दी ना कि विधिक कार्रवाई करेंगे और सारी चीज़ें हम सर अब तक क्या कार्रवाई की गई जी हम अभी तो आप ही लोगों की समस्याओं में, आप ही लोगों के समझाने बुझाने में समय चला गया, तो मेरी उम्मीद ये रहेगी कि आप लोग सहयोग करें। दोपहर तक आ जाएगी सर स्क्वाड टीम? हाँ दोपहर तक स्क्वाड टीम आ जाएगी, है ना, डॉग स्क्वाड टीम आ जाएगी और उसको जो है सर इसका कोई हमारी आस्था जुड़ा हुआ प्रश्न है, हम तत्काल। क्या नाम है आपका? विष्णु प्रसाद तिवारी। विष्णु प्रसाद जी आप यहाँ पुजारी हैं? जी। तो आप देर रात कितने बजे यहाँ से गए? जी 8 बजे हमने रात्रि में शाम को बंद किया, आरती करके शयन किया और शयन करके हम सुबह चले गए, शाम को चले गए, सुबह हम 5 बजे आए यहाँ पर, तो यहाँ पर ताले टूटे डरे और चैनल खुले डरे, गेट डले। आप अंदर गए थे क्या? अंदर नहीं गए, गर्भगृह में नहीं गए, उस परिक्रमा दुर्गा जी ने पहुँचाया था वहाँ पर हम गए। कितने प्रथम सूचना आपने किसको दी? हमने इसको बिट्टू राजा को, कुंवर प्रवीण सिंह बंदेला जी को दी है, जो संरक्षक है मंदिर के। जी इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ पर फिर सबको सूचना दी, मनोज लटोरिया को दी, रमेश को लटोरिया को दी हमने सूचना, और यहाँ पर 3-4 महिलाएं थी बिना जी पूजा कर रही थी, तो उनने जे कहा कि जे हमारे अंदर नहीं जाएंगे, नीचे की मड़िया में पूजा करती रही, पुजारी जी यहाँ ताले टूटे हम वापस। क्या लगता है आपको? हमें यहाँ लगता है कि यह हमारे किसी व्यक्तिगत किसी से बुराई नहीं है, मगर किसी ने जानबूझ के मूर्ति तोड़ी है। क्या नाम है? मेरा नाम कुंवर प्रवीण सिंह बंदेला है। जी आप मंदिर के संरक्षक हो? जी मैं इस मंदिर का संरक्षक। क्या घटनाक्रम हुई है? ये घटनाक्रम ऐसा हुआ कि लगभग 5:15 बजे जो मंदिर के पुजारी हैं विष्णु प्रसाद तिवारी, उनका मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया
कि मंदिर के ताले तोड़ के वो मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है। तो उनके साथ आके हम जब सुबह 5:15 बजे यहाँ पे पहुँचे तो मंदिर के बाहर का चैनल का ताला और गर्भगृह का ताला दोनों टूटे पड़े थे, और जो श्री श्री 1000 हर सिद्धि माता की मूर्ति विराजमान थी, जो आज से करीब 35 साल पहले मेरे पिताजी द्वारा इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी, मंदिर भी मूर्ति भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त और खंडित थी। क्या लगता है आपको, इसमें कोई शरारती तत्व लगते हैं या कोई सोची समझी साजिश है? नहीं नहीं, जो भी है ये असामाजिक तत्व की हरकत है, और पुलिस जाखलोन पुलिस से ललितपुर जिला प्रशासन से मेरा निवेदन है, बार बार आग्रह है कि अति शीघ्र इस मामले का खुलासा किया जाए, वरना इस जिले की जनपद की शांति भंग हो सकती है। का खुलासा नहीं होगा, हम लोग चरणबद्ध तरीके से यहाँ सेंटर बैठेंगे।